ब्रिक्स देशों के समूह ने छह नवे देशों नू इस शामिल होने का सदा दिता है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग विच तीन दिन का सिखर सम्मेलन जिस विच ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ने मिलकर इस विषय से विस्तार नाल चर्चा की। ब्रिक्स देशों के नेतावां ने अज इस विस्तार का ऐलान किया। इस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने विस्तार का ऐलान करदिया दस्या कि पहले पड़ाव विच अर्जेंटीना, मिसर, इथोपिया, ईरान, साउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नू ब्रिक्स विच शामिल होने का सदा दिता गया है। नवी मैंबरी 1 जनवरी 2024 तो लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत किया। इन देशों के नेतावां नागरिकों वधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार प्रगट करदिया कहा कि असी सब मिलकर ब्रिक्स को नवी रफ्तार देवांगे। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्योर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स विच जिन्ना नवी देशों नू थां दी गई है उन्होंने भारत के इतिहासिक संबंध रहे ने। उन्होंने कहा कि समूह विच शामिल होने वाले होरना देशों के यत्नों विच भारत अपना योगदान पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार होरना आलमी संस्थावां विच सुधार का सुनेहा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह होरना संगठनों लई भी मिसाल बन सकता है। हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दौरान चंद्रयान 3 की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने दुनिया के सारे देशों को मिल रही शुभकामनाओं लई धन्यवाद किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।